गज़वा तबूक के मौके पे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और जो लश्कर की तादाद थी वो 30,000 के करीब थी, तो अब इतनी बड़े मुसलमानों के पास तो वसाइल ही नहीं थे कि सारे सफ़र कर सके, इसीलिए उसका नाम जो है वो गज़वातुल उसरा, तंगदस्ती का गज़वा उसका लिखा जाए। तो एक बड़ी तादाद थी जो नहीं जा सकी थी। अच्छा, उसमें कुरान पाक की आयत और बुखारी शरीफ की हदीस है, कुछ लोग आए कि या रसूलल्लाह हमें भी कुछ अता फरमाए, हम भी आपके साथ चलते हैं। वहाँ था ही कुछ नहीं कि उस वक्त उनको सफ़र पर रवाना किया जा सकता, तो वो रोने लग गए कि राह खुदा के सफ़र के अंदर हमारे पास जाने के लिए असबाब ही नहीं है, वो रोने लग गए। तो कुरान पाक के अंदर उनके रोने का तस्करा है कि कुछ हमारे बारगाह में ऐसे लोग आते हैं कि जो उन जिनके पास असबाब ना होने की वजह से वो रोते हैं इस बात पे, अल्लाह अल्लाह, काश हमारे पास असबाब होते तो हम भी आपके साथ राह खुदा में सफ़र करते। अच्छा, अब वो सफ़र हुआ गज़वा तबूक का, और वो था बहुत दूर, तबूक शरीफ मदीना मुनव्वरा से जितना तो जब गया ना तबूक, फिर समझ आया तकरीबन 800 किलोमीटर तकरीबन है, यानी गाड़ी में हम थक गए। अच्छा हाँ, गाड़ी में हमारा हाल पूरा हो गया, मैं सोचता था कि ऊँटों पर और घोड़ों पर कैसे हुआ। अच्छा, और वो मौसम भी गर्मी का मौसम। अच्छा, गर्मी का मौसम था और साथ में ये वो मौसम था कि जिसमें खजूर की फसलें पक के तैयार होती बाग़ात। अल्लाह, तो बेसिकली उनको छोड़ के जाना था, पूरा साल मेहनत करके उगाए थे, वो कमाई के जो दिन थे वो छोड़ के जाने थे। अल्लाह अल्लाह, 900 किलोमीटर का सफ़र करना था और फिर वो सफ़र भी सफ़र मुशक्क़त तंगदस्ती के साथ था, तो ये सारी चीज़ें जमा थी वहाँ पर। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक मौके में इतनी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई, सहाबा इकराम से फरमाया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हर वादी में तुम्हारे साथ ही हैं, अल्लाह अगरचे वो तुम्हारे साथ नहीं है, अल्लाह तुम्हारे साथ नहीं है फिर भी तुम्हारे साथ हैं। तो सहाबा इकराम तबूक में, ये जो उनके साथ हैं, जो साथ नहीं है और साथ हैं, वो मदीने में, क्या बात, दिल साथ है। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वह अपनी चाहत और नियत की वजह से तुम्हारे, होता यह है कि एक बंदा दुनिया के किसी किनारे पर है लेकिन अगर अपनी नियत के साथ और अपने कॉपरेशन के साथ अगर वो साथ है तो वो हकीकत में साथ ही शुमार किया जाएगा।